से लिखते यार, गंदा कभी आगे कभी पीछे, क्या प्रॉब्लम है? कॉपी का है नोट्स की? अच्छा, मैकेनिक्स तुझे आती है? ऑलराइट, चलो। तो भी फ्री बैठ के तो कुछ गहरी चीजें सोच रहा होगा, राइट? कौन समझाएगा मैंने क्या दिमाग लगाया? तू पहले लिख ले ना, बहुत फास्ट सॉल्यूशन आ जाएगा इससे। अरे यार, ये मैंने गलत लिख दिया, आर कॉस फाई था, सॉरी। क्या फिजिक्स लगाइए? तो हमने, इट सीम्स, आधी प्रॉब्लम में अपन ने एक्स वाई इनक्लाइन के अलोंग और परपेंडिकुलर लिया, और आधी प्रॉब्लम में अपन ने वापस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला ले लिया एक्स वाई, जबकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला नहीं लिया। जिन जिनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की डेफिनेशन जो सुन चुके हैं वीडियो में, सुन चुके हैं, मालूम पड़ा हॉरिजॉन्टल का मतलब जिंदगी पहली बार। ऑलराइट, हाँ जी भविए जी, एक और प्रोजेक्ट डाल लिया, बैठ जाओ। अब तब अब वही प्रोजेक्ट डाल लिया, एक और प्रोजेक्ट डाल लिया, नहीं कोई दूसरा प्रोजेक्ट डाल नहीं लिया। एक ही चीज के दो बार चित्र बनाए तो दो हो जाएंगी, वो तेरे दो फोटो खींच लेंगे तो दो दो चुड़ाव बन जाएगा। तू पागल है क्या, क्या बोल रहे? एक चीज के दो फोटो खींच दो बन गई वो, कोई तो सेंसिबल बात करा कर कभी तो। हाँ हाँ, वेरी गुड। इसमें जो अपन ने एक्स वाई चूज करे, दोनों में 80 स्क्वायर वाली टर्म आएगी, क्योंकि जी के कंपोनेंट हो गए। वेरी गुड, शाबाश। यदि अपन हॉरिजॉन्टल में एक्स ले लें तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ओके, कंटिन्यू। इसलिए इसमें तो थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया, बीच में बहुत सारे और सेंटेंसेस थे। वाई समझाइए इसका, कि मैंने वाई शिफ्ट क्यों किया? जैसे इसने बड़ी अच्छी शुरुआत करी कि भाई इसमें हमने एक्स पकड़ा तो इसमें दोनों एक्स और वाई में हमारे को जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, जबकि यदि हॉरिजॉन्टल लेंगे तो जी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे की भी स्टोरी थी कुछ। फिर मैं आपसे ये पूछूंगा, यहां पर टाइम के लिए क्यों कैलकुलेट किया? पूरा समझाना पड़ेगा ना, वाई इंपॉर्टेंट है। लिख लिया आपने वाई उसमें? पढ़ो। नहीं नहीं, वहां वहां देख के, की तो हो ही नहीं सकता, की कैसे हो सकता उसमें? अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो इंग्लिश में तो की आते ही नहीं बेटे, चा भी होता है की इंग्लिश में तो। हाँ पढ़ो। सर भी नहीं हो सकता उसमें, गलत बोल रहे थे, नहीं पढ़ सकते, रहने दो। सुनिए ध्यान से, टाइम की कैलकुलेशन इस एक्स वाई में क्यों अच्छी थी? क्योंकि एक ऐसी डायरेक्शन है जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो हमारे लिए टाइम कैलकुलेट करना इस डायरेक्शन में बहुत आसान है। क्योंकि यदि मैं यहां पे इस एक्स वाई को लेके यदि टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे नहीं इसको जीरो लिखना, नहीं इसको जीरो लिखना, इनमें कोई रिलेशनशिप लिखनी पड़ेगी कि जब वाई बाय एक्स बिकम्स इक्वल टू टेन फाई तब जाके होगा। वाई भी कैलकुलेट करो, एक्स भी कैलकुलेट करो, दोनों को टेन फाई के रेशियो में लिखो, तब जाके लैंडिंग होगी। क्वाइट कंबर्सम, नहीं समझ आई बात? लेकिन वाई को जीरो रख के टाइम निकालना वेरी फास्ट। अरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सी जीरो हो जाए नलायक को तो रूट जल्दी नहीं निकल जाता क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के अंदर सी जीरो हो जाए, बिल्कुल ही बेपढ़े लिखे हो। है? नहीं आया समझ में? हाँ, तो दो रूट्स आ जाएंगे, एक जीरो टाइम और एक ये वाला टाइम, जल्दी हो गया ना हमारा सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में? अरे तो टाइम की कैलकुलेशन के लिए ये एक्सेस बहुत अच्छी है। फिर जैसा इस बच्चे ने बताया, ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज, तो इससे हमारे को ये कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान पड़ेगा। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे ये तो रेंज नहीं है, लेकिन लैंडिंग के समय का यदि हमें ये कोऑर्डिनेट मालूम है
भले ही प्रोजेक्टाइल या नहीं है पर कोऑर्डिनेट तो मालूम है ना, तो इसको अपन लैंडिंग के समय के इस रेंज से भी रिलेट कर पाएंगे और आंसर निकल जाएगा। तो अपन को कोई भी एक्सिस को पकड़कर उसे शादी करके नहीं रखना है, सात जन्मों का साथ है कि जी देने यदि ये एक्स वाई ले लिया तो जिंदगी भर मरो यही एक्स वाई हो। कन्वीनियंस की बात है, टाइम कैलकुलेशन इस एक्सिस से अच्छा है, रेंज कैलकुलेशन इस एक्सिस से अच्छी है, भले ही अपना मोशन इस एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है, लैंडिंग इस एक्सिस पे नहीं हो रही है, बट स्टिल इट इज मोर कन्वीनियंट। समझाए मेरी बात? बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे नहीं लगता आपके समझ में नहीं आई होगी, वो तो आपके आ गई होगी। सो ऐसे आपको सोचना सीखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी एक्सिस ज्यादा अच्छी है। पेन क्यों फेंक रहे हो? बड़े आगे टाइम हो गया, चलो इतना ही है। कुछ पूछना है? थोड़ा बहुत आया सोचना? ओके, 2D की शीट निकलवा देना इनके लिए, है ना? ओके, है ना?